नमस्कार एवं तेज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित और शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। बीएसएफ ने मार गिराया पाकिस्तानी ड्रोन। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सेना ने गिराया ड्रोन। भारतीय सीमा में घुसकर कर रहा था जासूसी। पाकिस्तान की तरफ से इस ड्रोन के जरिए आतंकियों को भेजे गए थे हथियार। इसमें एक अमेरिकी राइफल, दो मैगजीन और दूसरे हथियार जब्त। अली भाई के नाम पर आया था कंसाइनमेंट। मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। यूएस अथॉरिटी के हत्थे चढ़ा तहबुर हुसैन राणा। भारत ने की प्रत्यर्पण की मांग। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम। अब तक 87 लाख से ज्यादा लोग हुए संक्रमित, तो 4,62,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। वहीं 46 लाख से ज्यादा मरीज इलाज के बाद हुए स्वस्थ। भारत में कोरोना का कहर जारी। संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 4 लाख के करीब, तो अब तक 12,948 लोगों की मौत। वहीं 2 लाख से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। राजस्थान में कोरोना संक्रमण का बड़ा ग्राफ। आज 158 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए सामने। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 14,314, तो कोरोना से अब तक 333 लोगों ने गंवाई जान। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने जारी किया आदेश। कोरोना पॉजिटिव मरीजों को 5 दिन सरकारी क्वारंटाइन में रहना होगा अनिवार्य। आम आदमी पार्टी सरकार ने LG अनिल बैजल के फैसले का किया विरोध। गरीब कल्याण रोजगार अभियान का हुआ आगाज। PM मोदी ने VC के माध्यम से किया शुभारंभ। राजस्थान से CM गहलोत भी VC के जरिए जुड़े। वे अभियान की शुरुआत से पहले PM मोदी ने की घर लौटे प्रवासी मजदूरों से बात। श्रमिकों से उन्हें मिले योजनाओं के लाभ के संबंध में ली जानकारी। कहा, गांव में मजदूर कम पड़ जाएंगे, इतना काम करना है मुझे। गृह मंत्री अमित शाह ने घायल सैनिक के पिता का वीडियो किया रिट्वीट। कहा, बहादुर सैनिक के पिता ने राहुल गांधी को दिया साफ संदेश। इस संकट की घड़ी में पूरा देश है एकजुट। प्रदेश भाजपा की दूसरी वर्चुअल रैली का आयोजन। राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने किया संबोधित। जोधपुर बीकानेर संभाग के कार्यकर्ताओं से की केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की अपील। वहीं भाजपा की राजस्थान जनसंवाद रैली में JP नड्डा ने दिया संबोधन। गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। कहा, व्यर्थ नहीं जाएगा वीर सपूतों का बलिदान। तो वहीं प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी किया संबोधित। भारत चीन विवाद को लेकर राहुल गांधी ने साधा निशाना। PM मोदी के रुख पर खड़े किए सवाल। कहा, PM ने भारतीय क्षेत्र को चीन के सामने किया सरेंडर। कोरोना से लड़ने के लिए गहलोत सरकार सतर्क। मुख्यमंत्री आवास पर हुई अहम बैठक। निजी अस्पताल में इलाज के बिल को नियंत्रित करने का लिया फैसला। सभी अस्पतालों में इलाज की दरें तय। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में दर्दनाक हादसा। ट्रक से टकराई कार। हादसे में 5 लोगों की मौत। दिल्ली से प्रयागराज जा रहे थे सभी लोग। UP के यमुना एक्सप्रेस वे पर अज्ञात वाहन से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में कार सवार दंपति समेत 3 लोगों की मौत। तो वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। रायपुर से सहारनपुर जा रहे थे सभी लोग। यूपी के हरदोई में रेलवे के अधिकारियों व कर्मचारियों ने किया चाइनीज उत्पादों का बहिष्कार। वहीं रेल विभाग के कर्मचारियों ने चाइनीज उत्पादों का बहिष्कार किए जाने के लिए शपथ। उत्तर प्रदेश के एटा में दर्दनाक हादसा। निर्माणाधीन पुल का गार्डर नीचे गिरने से कई वाहन दब गए। हादसे में कई लोग घायल। अभी तक 2 लोगों की मौत की हुई पुष्टि। यूपी के हरदोई में कोऑपरेटिव बैंक शाहबाद के मैनेजर और कैशियर पर लगा 5 लाख रुपए के गबन का आरोप। जांच में दोनों दोषी पाए गए थे। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। 12 घंटे में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 10,000 का इनामी बदमाश वसीम घायल। बदमाशों से एक बाइक, 2 तमंचे और 7 कारतूस बरामद। मध्य प्रदेश के शोपुर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच से 15 किलो सोना चोरी होने के मामले में खुलासा। कैशियर ने गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर चुरा लिया बैंक से सोना। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को भारतीय रिजर्व बैंक ने दी राहत। RBI ने BMC बैंक के खाते से रुपए निकालने की सीमा को बढ़ाकर किया 1 लाख रुपए। बैंक पर लगे प्रतिबंधों को 6 महीने के लिए बढ़ाकर 22 दिसंबर तक किया। जल्दी वापसी करेगी भारतीय स्मार्टफोन कंपनी माइक्रोमैक्स। 3 नए स्मार्टफोन लॉन्च करने की बना रही है योजना। कंपनी ने ट्वीट कर वापसी की योजना के बारे में बताया। साल का पहला सूर्य ग्रहण कल। सूर्य ग्रहण सुबह करीब 9:15 से शुरू होकर दोपहर 3:00
4 मिनट तक रहने वाला है। आज रात करीब 10 बजे से लगेगा ग्रहण का सूतक काल। कोरोना संकट के बीच महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि का सिलसिला जारी। 14 दिन में पेट्रोल 8 रुपए 11 पैसे तो डीजल 8 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर राज्य सरकार सतर्क। 21 से 30 जून तक चलाया जाएगा विशेष जागरूकता अभियान। सीएम अशोक गहलोत करेंगे अभियान की डिजिटल लॉन्चिंग। लॉन्चिंग कार्यक्रम में पंचायत स्तर के प्रतिनिधि भी होंगे शामिल। वहीं जागरूकता कार्यक्रम को लेकर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने दी जानकारी। डिजिटल लॉन्चिंग के बाद होगा वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन। पेयजल, मनरेगा और कोविड-19 के हालातों की भी होगी समीक्षा। श्रीगंगानगर के घटसाना में कोरोना का प्रकोप जारी। मुंबई से आए व्यक्ति में हुई कोरोना की पुष्टि। हरकत में आया जिला प्रशासन। संक्रमित परिवार को किया गया क्वारंटाइन। झालावाड़ के गंगधार में कोरोना की दस्तक। 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने से चिकित्सा विभाग में मचा हड़कंप। इलाके को किया 0 मोबिलिटी क्षेत्र घोषित। लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत। भरतपुर के बयाना राजकीय चिकित्सालय में लगी सोनोग्राफी मशीन। भामा शाह ने की सीएससी को 8 लाख रुपए की मदद। अब लोगों को सोनोग्राफी के लिए नहीं जाना पड़ेगा जिला मुख्यालय। राहुल गांधी के जन्मदिन पर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल ने लिया संकल्प। आमेर विधानसभा क्षेत्र के हेरिटेज कुएं और बावड़ियों में श्रम दान कर की जाएगी सफाई। 15 दिन तक सेवा दल के कार्यकर्ता करेंगे श्रमदान। दौसा सांसद जसकोर मीणा ने लालसोट बस स्टैंड पर किया प्लेटफॉर्म के नवीनीकरण का शिलान्यास। 18 लाख रुपए की लागत से हो रहे हैं नवीनीकरण के कार्य। शिलान्यास में उड़ी सोशल डिस्टेंस की धज्जियां। श्रीगंगानगर के घटसाना में गर्मी का सितम। 47 डिग्री के पार हुआ तापमान। भीषण गर्मी से जनजन हुआ प्रभावित। लू के चलते सड़कें हुई वीरान। भरतपुर के बयाना में बेरोजगार छात्रों ने सरकार को लिखे पत्र। बिजली और जलदाय विभाग में भर्ती निकालने की मांग। डाक द्वारा भेजे सीएम को 200 पोस्ट कार्ड। सीकर के दातारामगढ़ में मजदूरों की शिकायत के बाद प्रशासन हुआ अलर्ट। एसडीएम ने किया विभिन्न गांव में मनरेगा कार्यों का निरीक्षण। समस्याओं के समाधान के दिए निर्देश। सीकर के अजीतगढ़ में पुलिस को मिली सफलता। इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। हत्या के मामले में फरार चल रहा था आरोपी। डूंगरपुर में बिछीवाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध शराब से भरा कंटेनर किया जब्त। कंटेनर से 18 लाख रुपए की शराब बरामद। वहीं पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भीलवाड़ा के नेहरू विहार पार्क में अज्ञात कारणों के चलते एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या। मामले की सूचना पाकर भीमगंज थाना पुलिस और एफएसएल टीम ने मौके पर जुटाए साक्ष्य। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। नागौर डिस्कॉम ने अवैध बिजली कनेक्शन, अवैध ट्रांसफार्मर और बकाया वसूली को लेकर चलाया अभियान। अवैध ट्रांसफार्मर को जब्त किया। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में रोडवेज प्रशासन की लापरवाही का मामला। खुलेआम किया गया नियमों का उल्लंघन। बारात के लिए भेजी रोडवेज बस तो शिकायत के बाद कार्रवाई का दिया आश्वासन। झालावाड़ के खानपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ढाबे कर्मचारी जानकीलाल की हत्या के मामले में 2 लोगों को किया गिरफ्तार। डीएसपी भवन सिंह हाड़ा ने बताया हत्या का मामला दर्ज होने के बाद टीम का गठन कर और साक्ष्य जुटाए गए और लोगों से की कड़ी पूछताछ। राजसमंद जिले के केलवा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहीद वीर जवानों को दी श्रद्धांजलि। 2 मिनट का मौन रखकर किया नमन। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने का रखा ख्याल। चाइनीज उत्पादों के बहिष्कार का लिया संकल्प। झालावाड़ के खानपुर में चीनी सामान का बहिष्कार। एबीवीपी ने चीनी वस्तुओं की होली जलाकर जताया विरोध। चीन सीमा पर शहीद हुए सेना के जवानों को अर्पित की श्रद्धांजलि। अलवर के तिजारा में बजरंग दल ने शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। चीन के उत्पादों का बहिष्कार करने का आह्वान। सरकार से की कड़ी कार्रवाई की मांग। झुंझुनू में शिक्षकों को गैर शिक्षित कार्यों में लगाने का विरोध। शिक्षक संघ सियाराम ने सौंपा सीएम के नाम ज्ञापन। कहा झुंझुनू में नहीं हो रही है मुख्य सचिव के आदेशों की पालना। झुंझुनू में अजमेर डिस्कॉम के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। विद्युत श्रमिक संघ के आह्वान पर एएन राजकुमार राव को सौंपा ज्ञापन। निजीकरण के विरोध में प्रबंध निदेशक को भेजा गया है ये ज्ञापन। बाड़मेर में 3 अलग अलग आत्महत्या की घटनाओं से फैली सनसनी। 2 मासूमों समेत 6 लोगों की हुई मौत। सरली गांव, रावसर और बिजासर गांव के मामले हैं।
कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस। झुंझुनू के जाखल गांव में पहुंची शहीद अजय कुमार की पार्थिव देह, पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार, जिला कलेक्टर समेत आला अधिकारियों ने किया पुष्प चक्र अर्पित। प्रदेश में टिड्डियों का बढ़ता जा रहा है आतंक, नावा में टिड्डी दल ने किया हमला, खेतों में केमिकल का कराया गया छिड़काव। पाली के सुमेरपुर में ग्राम विकास अधिकारी सुरेश राजपुरोहित ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ चाणोद गांव के मनरेगा कार्यों का किया निरीक्षण। इस दौरान उन्होंने हर एक श्रमिक की जॉब कार्ड से हाजिरी ली, साथ ही श्रमिकों के लिए छाया पानी की व्यवस्था के दिए निर्देश। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच कोटा में सामाजिक संस्थाओं ने की लोगों की मदद, भाजपा के पूर्व पार्षद ने उठाया मदद का बीड़ा, अपने वार्ड में बांटी राशन सामग्री। अलवर की औद्योगिक नगरी भिवाड़ी से लोगों का आवागमन जारी, लेकिन कोरोना मरीजों की बढ़ोतरी को देखते हुए स्थानीय प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद, बाहर से आने वाले लोगों को किया जा रहा है होम आइसोलेट। धौलपुर में आज कोरोना विस्फोट, 39 नए मरीज सामने आने के बाद मचा हड़कंप, तो वहीं क्वारंटाइन सेंटर में अव्यवस्थाओं का मामला आया सामने, कोरोना संक्रमित तो मरीजों ने लगाए संगीन आरोप। भिलवाड़ा में कोरोना के कहर से हिली कपड़ा इंडस्ट्री, फैक्ट्री मालिक ने श्रमिकों को दिखाया बाहर का रास्ता, नाराज श्रमिकों ने किया प्रदर्शन। लेवंतेज में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।